हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। जो लास्ट लेक्चर हमने किया था ग्रुप 15 के ब्लॉक बी दैट इज फ्रॉम क्लास प्लस टू टर्म वन के सिलेबस से उसके एमसीक्यूज। मेरा मोटिव यही था कि एमसीक्यू के साथ साथ आपको जो चैप्टर के कोर कंसेप्ट हैं साथ साथ में बताए जाएं जो भी एमसीक्यूज में यूज हो रहे हो, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी बिफोर 15 नवंबर अच्छी तरह से कवर हो सके, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोर कर सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। स्टार्ट करते हैं, दैट इज फर्स्ट फ्रॉम दैट लेक्चर। हियर द एमसीक्यू इज, नाइट्रोजन ऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय, ऑप्शन फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ N2O4, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, द रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन NH2OH। हमसे क्या पूछा गया सुन क्वेश्चन में कि नाइट्रोजन ऑक्साइड इन चारों में से कौन से फिनोमेना से बनाई जाती है। तो काफी आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें, मैं सीधा रिएक्शन से समझाता हूँ आपको, लाइटर रिएक्शन दैट इज अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, इट विल डीकम्पोज टू गिव राइज नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O प्लस प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। सो यानी कि हमारी ये इक्वेशन बनी जिससे हमें क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि डिकम्पोजिशन किसकी, अमोनियम नाइट्रेट की। यानी कुल मिलाकर क्वेश्चन के हिसाब से मैं कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर स्टूडेंट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ओके, हियर इज द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन बी यूज्ड टू रिमूव नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। इनमें से कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो एयर से नाइट्रोजन मूव करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम बात करें, हमें पता है कि वो एलिमेंट या कौन सा सब्सटेंस है, दैट इज नेम इज दैट इज मैग्नीशियम। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा, मैग्नीशियम कैसे मूव करता है एयर से नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ, काफी आसान है, रिमूव इन द फॉर्म ऑफ Mg3N2। यानी क्वेश्चन के हिसाब से हमें कह सकते हैं ऑप्शन हियर द वन, सेकेंड इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो बढ़े हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी हैव पुल अप एनर्जी स्टूडेंट, इफ एनी डाउट प्लीज आस्क मी मोर देन 100 टाइम्स इन द कमेंट सेक्शन। हियर इज द नेक्स्ट वन। व्हेन कॉपर इज हीटेड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फॉर्मड इज। जब कॉपर को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से हीट करते हैं तो इनमें से कौन सी ऑक्साइड बनती है नाइट्रोजन की, ऑप्शन N2O5, NO2, N2O3 या NO। तो कॉपर को हीट करना है विल द साइड द रिएक्शन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट। यू नो द रिएक्शन दैट कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3। HNO3 कौन सा हमारा डाइल्यूट, यानी पानी की मात्रा ज्यादा है डाइल्यूट। तो अगर हम देखें तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, कॉपर नाइट्रेट, और साथ में क्या मिलेगा हमें, एनओ मिलेगा, और साथ ही में अगर हम बात करें एनओ के साथ हमें क्या मिलेगा, इफ वी टॉक अबाउट हेयर प्लस एनओ प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स। बैलेंस करें इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा हेयर कॉपर नाइट्रेट के हमारे पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स की बात करें, मोल्स की बात करें, 3 मोल्स कॉपर नाइट्रेट के, यहाँ पे 2 मोल एनओ और 4 मोल वाटर के। तो हेयर वी बैलेंस हेयर, तो यहाँ पे 3 कॉपर हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 8 HNO3। तो बैलेंस इक्वेशन में ऑक्साइड कौन से मिल रही है, 2 NO, 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 सो एट द डिमांड ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय व्हेन कॉपर इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड से हीट करना है स्टूडेंट। पिछले में कौन सा था डाइल्यूट, ऑप्शन N2O5, NO2, N2O3, NO। तो कंसंट्रेटेड की बात करें अगर हम, कॉपर रिएक्ट विद HNO3, वो भी कौन सा कंसंट्रेटेड। ठीक है, अगर हम बात करें तो कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करेगा ये, तो हमें क्या देगा, कॉपर नाइट्रेट तो देगा ही देगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस वाटर।
इक्वेशन को बैलेंस करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मोल आ जाएंगे नाइट्रिक एसिड के, यहाँ पे 2 मोल NO2 के, और वाटर के भी हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2। यानी हिसाब से राइट ऑप्शन कौन सी हुई, NO2, सेकेंड वन इज द राइट आंसर। रिमेम्बर स्टूडेंट माइंड में रखना है कि जब कॉपर डेल्यूट एच एनओ थ्री यानी डेल्यूट नाइट्रिक एसिड से पानी की मात्रा ज्यादा उससे रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, एनओ। और यदि अगर हम रिएक्ट करवाते हैं कॉपर को कंसंट्रेटेड यानी जिसमें एसिड की अमाउंट ज्यादा है नाइट्रिक एसिड से, तो हमें कौन सी ऑक्साइड मिलेगी नाइट्रोजन की, NO2। ठीक है स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हियर इज द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन N2O5, P4O10, SP2O3, Bi2O3। चारों में से कौन सी एम्फोटेरिक, मतलब कि जो एसिड भी एक्ट करती है और बेस भी एक्ट करती है। ओके स्टूडेंट, तो हमें पता है अगर हम एम्फोटेरिक नेचर की बात करें यहाँ पे, जो ट्राई ऑक्साइड होती है किसकी, हम ये कह सकते हैं ट्राई ऑक्साइड्स ऑफ एंटीमनी, ट्राई ऑक्साइड्स ऑफ एंटीमनी एंड आर्सनिक, इन दोनों की जो ट्राई ऑक्साइड्स होती है एंटीमनी की और आर्सनिक की, ये कौन से नेचर शो करती है हमें, दे विल शो एम्फोटेरिक नेचर, एसिड भी एक्ट करती है बेस भी एक्ट करती है, एक कंसेप्ट माइंड में रखना है इनमें से हमारा। सो इट्स क्लियर दैट थर्ड इज द राइट ऑप्शन, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके हियर द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म A3 नेगेटिव आयंस, पहले कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में इस तरह के क्वेश्चन, ऑप्शन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, बिस्मथ, एंटीमनी। ओके हियर द आंसर इज ऑल्सो गिवन, जस्ट आई विल शेयर विद यू, नाइट्रोजन पहले भी क्या था नाइट्राइडन बनाते क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है छोटे साइज की वजह से। ठीक है, फॉस्फोरस, बिस्मथ और एंटीमनी की बात करें, एक्टिविटी भी इनकी कम है और इनका साइज भी काफी बड़ा है। ठीक है, तो ये N3 नेगेटिव या I3 नेगेटिव कंपाउंड नहीं बना सकते, आयन सॉरी नहीं बना सकते। तो क्वेश्चन के हिसाब से एसिड मोड ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हियर इज द नेक्स्ट वन, अमंग द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज शो एन इंक्रीज एज वी मूव डाउन फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। ओके, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है ग्रुप 15 की अगर हम नाइट्रोजन टू बिस्मथ नीचे आते हैं। ठीक है, सो हियर आई विल सी, फर्स्ट ऑप्शन इज स्टेबिलिटी ऑफ माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, इंक्रीज बोला है ना, हाँ इंक्रीज पूछ रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो बट इट्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर, मतलब कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में अगर आपको पता हो इससे हम क्या कह सकते हैं, फास्टर द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जितनी जल्दी एच रिलीज कर देगा उतना वो कहा स्ट्रॉन्ग उसका रिड्यूसिंग नेचर, तो वो किस पे डिपेंड करता है भैया, वो डिपेंड करता है अपना साइज पे, साइज कैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे, ग्रेटर द साइज, ग्रेटर द साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, CML लिख रहा हूं, सेंट्रल मेटल एटम, जितना साइज बड़ा होगा उतना क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी कम, उतना रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन से लेके बिस्मत तक, हमें पता है फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मत डाउन तक भी, अगर हम बात करें नाइट्रोजन टू बिस्मत, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी क्या होगा, RC रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कुल मिला के हम ये कहते हैं क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन थर्ड सॉरी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हियर इज द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज मोर एसिडिक, इनमें से कौन सी से सबसे ज्यादा एसिडिक है नाइट्रोजन की, N2O, N2O3, N2O4, N2O5। तो एसिडिक कैरेक्टर की बात करें जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होगा, जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा बच्चा वही ऑक्साइड क्या होगी, मैक्सिमम एसिडिक। ठीक है,
तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम किसमें है स्टूडेंट, आप निकाल के भी चेक कर लीजिएगा। मैक्सिमम जो है ऑक्सीडेशन नंबर इसमें होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होगी N2O N2O5 में। अगर दिक्कत हो तो कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, बाकी सबका भी ठीक है। सो इस पर डिमांड ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हरी अब जल्दी से, हियर द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस ऑक्सी एसिड, रिमेंबर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस ऑक्सी एसिड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑप्शन H3PO2, H3PO4, H4P2O6, H4P2O7। इनमें से कौन सा फॉस्फोरस ऑक्सी एसिड रिड्यूसिंग नेचर शो करता है, क्या शो करता है रिड्यूसिंग नेचर? अगर हम बात करें, मैं स्ट्रक्चर से क्लियर कर देता हूँ, हियर फ्रॉम स्ट्रक्चर इज क्वाइट इजी टू यू दैट पी डबल बॉन्ड ओ हेयर्स ओ एच हेयर्स एच एंड हेयर्स एच H3PO2 H3PO2 रिमेंबर, क्योंकि इसके पास क्या है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे दो क्या है इसके पास पड़े हुए, हाइड्रोजन विच आर डायरेक्टली विच आर डायरेक्टली अटैच विच आर डायरेक्टली अटैच इसको है फॉस्फोरस को अटैच किए हुए, तो ये होगा सबसे इनमें से एक्ट करेगा रिड्यूसिंग नेचर का। इस कारण इसके पास अगर हम थोड़ा सा इलेबोरेट करने हो, एक हाइड्रोजन जो वो क्या है, किस नेचर का है, वो आयोनाइजेबल नेचर का है, आयोनाइज स्टेबल नेचर का एक हाइड्रोजन है, तो इसकी वजह से इसे हम ये भी कहते हैं कि ये क्या है, मोनोबेसिक एसिड, इट इज मोनोबेसिक इन नेचर। सो कितना क्वेश्चन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हियर इज द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एनओ2 ऑन हीटिंग, पोटासियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। इनमें से कौन सा हमारे पास जो सॉल्ट है, जो कंपाउंड है, वो हमें NO2 हीटिंग पे नहीं देता, कॉपर नाइट्रेट भी देगा, सिल्वर नाइट्रेट भी देगा, लेड भी देगा। पोटासियम नाइट्रेट देखिए, अगर पोटासियम नाइट्रेट को हम ब्रेक करते हैं कि NO3 इट डिकम्पोज टू गिव के NO2 प्लस O2, ये हमें क्या नहीं देगा, NO2 नहीं देता ठीक है। इफ यू बैलेंस द इक्वेशन हैव दिस वन, सो क्वेश्चन हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हियर इज द नेक्स्ट वन। अमंग ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच वन इज लीस्ट बेसिक, कौन सी ट्राई हैलाइड नाइट्रोजन की लीस्ट बेसिक है? ऑप्शन NF3, NCl3, NBr3, NH3। सबसे कम बेसिक, बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता देते हैं बेसिक का फंडा हम कैसे यूज करेंगे। हम बात करें बेसिक फिनोमेने की, तो हम इसमें ये कहते हैं कि लुईस के बेस यूज किए जाते हैं, लुईस के बेस, लुईस के अकॉर्डिंग हम बेस किसे कहते हैं, विच कैन डोनेट अ लोन पेयर, विच कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली, जो आसानी से देगा लोन पेयर, जो जल्दी देगा उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं उन्हें बेस कहते हैं ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें, इन केस ऑफ NF3, NCl3, NBr3, I3, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, फ्लोरीन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, नेगेटिविटी वैल्यू ठीक है, तो उसकी वजह से क्या करेगा, शेड पेयर को थोड़े जो लोन पेयर थोड़ी तरफ अपनी तरफ खींच के रखेगा, इस केस में वो इजिली डोनेट नहीं होंगे, तो इसलिए वो लीस्ट बेसिक हो गया NF3। यानी कुल मिला क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स, हियर द क्वेश्चन। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, एलिमेंट्स हमें दिए हैं कार्बन नाइट्रोजन सिलिकॉन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन सिलिकॉन कार्बन फॉस्फोरस, ऑर्डर हमें अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, सिलिकॉन फॉस्फोरस कार्बन नाइट्रोजन या फॉस्फोरस सिलिकॉन नाइट्रोजन कार्बन, हमें बताना है कौन सा ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सही है ठीक है। काफी आसान है, थोड़ा सा लोचा है,
फटाफट लिख के देख लिए, कार्बन नंबर 6 के बाद आएगा नाइट्रोजन, इसके नीचे आएगा 14 हमारे पास सिलिकॉन, इसके नीचे आएगा फॉस्फोरस 15, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं टेबल में, अगर हम चाहते हैं लॉन्ग का पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ई एन लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म, बढ़ेगी लॉन्ग का पीरियड। ग्रुप में जाते हैं साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज भी कम होता है थोड़ा सा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लॉन्ग का ग्रुप के होगी डिक्रीज होगी। तो इस हिसाब से हम देख लें चारों में से सबसे ज्यादा कौन होगा भैया, नाइट्रोजन, सबसे कम कौन होगा भैया, कार्बन, कार्बन होगा, ध्यान दीजिए, डाउन द ग्रुप डिक्रीज, सबसे कम होगा सिलिकॉन, ठीक है। पहले लिख देते हैं भैया, पहले आएगा हमारा भैया सिलिकॉन, लास्ट में लिख देते हैं हमारा नाइट्रोजन, बाकी बचा कार्बन और फॉस्फोरस, वो तो आपको ऑर्डर से ही क्लियर हो रहा है। इसके बाद क्या आएगा, फॉस्फोरस, फिर आएगा कार्बन, ये हमारा हो गया ऑर्डर, यानी ऑप्शन 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 ऑप्शन, थर्ड इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट वन, फेरस सल्फेट FeSO4 सल्फेट फॉर्म्स ब्राउन रिंग विद, FeSO पर किसके किसके साथ ब्राउन रिंग बनाएगा, दैट इज NO2, N2O3, NO और N2O5। अगर FeSO4 की बात करें स्टूडेंट्स, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपका, सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कि FeSO4 जो ब्राउन रिंग बनाता है वो किसके साथ बनाता है, FeSO4 NO के साथ क्या बनाता है, ब्राउन रिंग। तो ये आपका सीधा सीधा आंसर हो गया, ऑप्शन 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 ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें फटाफट 50 तक को लेके चलिए ना, जल्दी जल्दी से। ओके आई विल रिपीट अगेन, इफ एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, विल डेफिनेटली रिप्लाई सो दैट यू कैन स्कोर मोर एंड मोर इन एग्जाम ऑफ फर्स्ट टर्म फर्स्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइलाइड ऑफ नाइट्रोजन इज स्ट्रॉन्ग बेस, NF3, NCl3, NBr3, NH3। मैंने पहले ही बताया, बेसिक की बात करें, हरी अब बेसिक 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 लुईस के बेस, लुईस के अकॉर्डिंग बेस कौन होता है स्टूडेंट, बेस होता है हमारे जो क्या करते, लोन पेयर डोनेट करता है, डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जितनी इजिली करेगा उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, जितनी आसानी से देगा उतना क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके साथ जो एलिमेंट लगेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पे, जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी इतनी इजिली वो नाइट्रोजन में लोन पेयर देगा। तो सबसे कम कौन है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चा, जल्दी जल्दी से बताइए, हम ये कह सकते हैं Ni3 में आई जो होगा वो सबसे सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का होगा स्टूडेंट। तो हम ये कह सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर स्टूडेंट, ठीक है। कैन मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज द नेक्स्ट वन, रिया 46 46 46। ओके विच ऑफ द नाइट्रेट्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग लीव्स अ मेटल एज द रेसिड्यू, इनमें से कौन सा नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे मेटल एज अ जो सामान लास्ट में बच जाता है एज अ रेसिड्यू में देगा, सिल्वर नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट या कॉपर नाइट्रेट। ओके आंसर इज, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एक्शन बताना चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 अंडरगो स्ट्रॉन्ग हीटिंग 2 मोल्स टू गिव 2 मोल्स ऑफ Hg मेटल एज अ रेसिड्यू प्लस 2NO2 प्लस O2। सो एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हियर इज द नेक्स्ट वन, द क्वेश्चन इज द सीक्वेंस ऑफ Hg करैक्टर इज, ओके हमारे पास कह रहे हैं SO2 देन CO2 देन CO देन N2O5, सेकेंड ऑप्शन SO2 N2O5 CO देन CO2, थर्ड ऑप्शन N2O5 SO2 एंड देन CO देन CO2 N2O5 SO2 CO2 एंड CO। इनमें से कौन सा Hg रिएक्टर का सीक्वेंस सही है बेटा, मैंने पहले आपको बताया था फंडा थोड़ा सा कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर अगर होगा ठीक है तो वो क्या होगा, मैक्सिमम एसिडिक नेचर का ऑक्साइड, ठीक है, मैक्सिमम एसिडिक नेचर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए N2O5 में अपना +5 मैक्सिमम शो करता है, ठीक है,
N205 कहाँ पे है, N205 कहाँ पे है, N205 है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में, यानी थर्ड और फोर्थ में से एक ऑप्शन आपकी पक्का। ओके डन, बाकी बताओगे? एक छोटी सी ट्रिक और बता देता हूँ आपको, वो भी काफी आसान है, आप ये भी याद रख सकते हो कि एवरी करेक्टर डिक्रीजेस, एवरी करेक्टर डिक्रीजेस किस हिसाब से डिक्रीज इन नॉन मेटेलिक करेक्टर, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स है ना इसमें, 10^5 सल्फर के यहाँ पे +4 और कार्बन भी +4 बटे सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड, देखो सल्फर भी है कार्बन भी आएगा, तो इसमें मैक्सिमम का फंडा थोड़ा थोड़ा दिक्कत देगा, तो इसमें क्या रखेंगे, जैसे जैसे नॉन मेटेलिक डिक्रीज होगा वैसे वैसे ऐसे करेक्टर भी कम होगा, सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक N2O5 का, फिर SO2, फिर CO2 एंड देन CO। तो मैं कहते थे क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन 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 फोर्थ इज द राइट आंसर स्टूडेंट, ठीक है। हियर द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर N2O, इनमें से कौन से स्टेटमेंट N2O के लिए सही नहीं है। ऑप्शन इज कॉल्ड अ लाफिंग गैस, इट इज नाइट्रस ऑक्साइड, इट इज नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल, इट इज लीस्ट एक्टिव ऑफ ऑल द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा सबसे गलत बात इसमें, क्योंकि N2O की बात करें लाइक दिस, N2O इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या है ये लीनियर मॉलिक्यूल है, सो नॉट लीनियर, लीनियर मॉलिक्यूल है ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी कुल मिला के क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन 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 थर्ड इज द राइट आंसर, राइट आंसर है, बट इसकी वो क्या है गलत स्टेटमेंट है N2O की, ठीक है। ओके हियर इज द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो सब्लिमेशन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पर से बता दीजिए, ZnCl2, कॉपर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब, सब्लिमेशन का मीनिंग, सब्लिमेशन मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, दैट चेंजेस टू, चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट डायरेक्टली, सॉलिड टू गैसियस स्टेट डायरेक्टली विदाउट द फॉर्मिंग ऑफ लिक्विड स्टेट। तो इनमें से कौन है जो ऐसा काम करता है, वो होता है हमारा हरिया फरिये फरिये फरिये, वो NH4Cl, NH4Cl डायरेक्टली, डायरेक्टली चेंजेस टू वेपर, फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू वेपर। तुम ये कह सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ओके हियर द नेक्स्ट वन, अरे ऑप्शन 52 पे फोन किया कि अब सारे करने हैं हमने, मैक्सिमम 60-70 तो करें करें ना, ताकि आपका मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाए ग्रुप 15 के। हियर द क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, डेफिनेटली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आएगा ही आएगा, ठीक है। हियर द क्वेश्चन, एन एलिमेंट एक्स फॉर्म्स अ कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला HCl3 H2O5 Ca3X2 बट डज नॉट फॉर्म HCl5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट, बोरोन, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। काफी अच्छे से ध्यान दीजिए अब तक, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन ही होगा बच्चा, देखिए क्योंकि देखो HCl3 पॉसिबल है, बन सकता है, N2O5 बनता है, मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट होती है इसमें, काफी एसिडिक ऑक्साइड है, Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड, या Ca3N2 कैन बी पॉसिबल, HCl5 स्टूडेंट कैन इट बी फॉर्म, इट कैन नेवर बी फॉर्म, रीजन 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 रीजन, क्योंकि ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ वेकेंट पी ऑर्बिटल, वेकेंट पी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन, इसकी वजह से HCl5 नहीं बनता। तो मैं कहते क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ओके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके हियर द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बाइड, जब नाइट्रोजन CH3 से रिएक्ट करता है तो कौन सा चार में चीजें बनती हैं, कैल्शियम साइनेट बनेगा, कैल्शियम एसिटेट बनेगा, कैल्शियम साइनेमाइड बनेगा, या कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जब N2 रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बाइड से, तो ये रिएक्शन करके देखें, देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बाइड से जब N2 रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा भैया हमें, कैल्शियम CaCN2 तो डेफिनेटली, यानी कैल्शियम साइनेट CaCN2 प्लस
कार्बन, ठीक है, क्या मिला हमें सी ए सी टू इफेक्ट किया जब कार्बाइड हमें सी ए सी एन टू प्लस कार्बन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हियर देखिए, ए में कैल्शियम साइनेट हमारी ऑप्शन में है, ध्यान दीजिए जरा। 53rd की अगर हम देखें क्वेश्चन में, अगर हमारे पास है कैल्शियम साइनेट है, कैल्शियम एसिड है, कैल्शियम साइनामाइड है, और हमारे पास क्या है कैल्शियम कार्बोनेट भी है, तो क्या बना है? तो देखिए जरा कौन सा कैल्शियम साइनेट है, या कैल्शियम साइनामाइड है, या कैल्शियम एसिटेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। हरी अब बताइए क्या है, कैल्शियम साइनेट है, कैल्शियम साइनामाइड है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कुछ चीज क्लियर कर दूँ, यहाँ पे ना कैल्शियम का भी एंटी रिएक्ट करेगा तो सी एन सीधा साइनाइड नहीं बनता, यहाँ पे किस किस प्रकार से बनता है ध्यान दीजिएगा। हियर सी ए सी एन टू, यानी कैल्शियम साइनामाइड बनेगा, सुन ध्यान दीजिएगा, कई बार गलती मत कर देना सी एन इकट्ठा लगा के, ठीक है सी ए सी एन टू, ठीक है। फिर कैल्शियम साइनामाइड, सो वी कैन सी दैट ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर स्टूडेंट, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हियर इज द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज सेम स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ एन टू। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन, सेम स्ट्रक्चर में सेम हाइब्रिडाइजेशन, कह सकते हैं हम एन थ्री एच वॉटर एनओ टू और सीओ टू। एन टू ओ की बात करें पहले, स्ट्रक्चर की बात, एन टू कैसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड है, ओ मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया लीनियर, ये बात क्लियर। ओके इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, अगर हम एन टू ओ में इलेक्ट्रॉन्स की बात करें वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। एन टू ओ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अपने कितने होते हैं, पांच, दो नाइट्रोजन है इंटू टू प्लस छह ऑक्सीजन, कितने हो गए 5 × 10 + 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यही सेम हमारे पास सीओ टू देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन कार्बन के वैलेंस शेल में चार, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में छह, छह 12 हो गए, दो ऑक्सीजन है 16 इलेक्ट्रॉन, सेम है। सीओ टू स्ट्रक्चर कैसे होता है भैया, CO2 इस प्रकार से लीनियर स्ट्रक्चर, sp हाइब्रिडाइज कार्बन, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, वही सेम जो क्रोम पंगा कर रहा है दिस वन। सो यानी कि एज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चन इज क्लियर दैट ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ओके हियर इज द नेक्स्ट वन, द क्वेश्चन इज द ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर NO2 नेगेटिव NO3 इज Q2 फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन विद फॉर्मूला Fe2O6 पॉजिटिव, Fe2O2 पॉजिटिव, Fe2O5 NO2 पॉजिटिव, पहले कर चुके हैं बच्चा ये ब्राउन रिंग वाला, Fe2O6 NO5 2 पॉजिटिव। तो आप बता सकते हैं बच्चा कौन सा आंसर होगा, एलिमेंट का ब्राउन रिंग किससे बनाता है, NO के साथ, यानी कि ऑप्शन इस प्रकार से होगा कॉम्प्लेक्स हमारा Fe2O5, पांच वाटर लिगेंड और NO। वी कैन से दैट एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन इज अ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड द ऑप्शन थर्ड वन इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हियर्स द नेक्स्ट, अ डीप ब्राउन गैस इज फॉर्मड बाय मिक्सिंग टू कलरलेस गैसेस व्हिच आर NO2O2 N2ONO NOO2 और NH3HCl। डीप ब्राउन गैस इनमें से कौन सी दो कलर गैसेस को मिक्स करने से बनती है, फरिया फरिया फरिया। अगर हम देखें तो अगर हम सीधा रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे, दो मोल एनओ टू के एड करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमें डीप ब्राउन गैस मिलती है, दैट इज 2NO2, ठीक है स्टूडेंट, इज इट क्लियर। 2NO2 डीप ब्राउन गैस, वेट वेट वेट, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जस्ट गिव मी अ सेकंड, एनओ रिएक्ट करता है बच्चा ऑक्सीजन के साथ, हमें मिलती है डी, क्योंकि मेरा एनओ टू हमारी क्या होती है, डीप ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है, 2NO2, ठीक है, होगी हमारी डीप ब्राउन गैस, यानी कि एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड वन इज द राइट आंसर स्टूडेंट। ओके तो ये द नेक्स्ट वन, अरे अब से एक तो क्वेश्चन कर लें, टाइम कम है हमारे पास। विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट शोन बाय फॉस्फोरस, -3 + 3 + 5 - 1 - 1। फॉस्फोरस इनमें से कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता स्टूडेंट, सबसे बेसिक कंसेप्ट की बात है, स्टार्टिंग में ही है पी ग्रुप 15 की फिजिकल प्रॉपर्टीज में, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज में, कि फॉस्फोरस जो है शो करता है -3 से लेके +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि PH3 से लेके मैं कह सकता हूँ PCl5, ठीक है। सो एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन फोर
इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। द नेक्स्ट वन, फ्रॉम अमोनिया टू स्टीबिन द बेसिक रिएक्टर डिक्रीजेस ड्यू टू। अगर हम बात करें अमोनिया से तो बेसिक रिएक्टर डिक्रीज क्यों करता है, मतलब कि बिस्मत तक हम बात करें नीचे, ठीक है। वन डिक्रीजेज इन द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सेंट्रल एटम, डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, और एन इंक्रीज इन रिड्यूसिंग पावर। ओके, तो अगर हम बेसिक रिएक्टर की बात करें, ध्यान दीजिएगा इसमें डाउन तक, जैसे अमोनिया हो गया, BISP तक चले जाएं अगर हम, तो साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। साइज इंक्रीज होने से जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसकी अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिए वो साइज बढ़ने से क्या होती, कम होती चली, डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि बच्चा बेसिस किसके हैं, ध्यान दीजिए, लुइस के बेसिस। लुइस का बेस कौन होता है, लुइस का बेस कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेटर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो क्या होता है, लुइस के अकॉर्डिंग बेस होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें पता है कि जो इजिली देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। डाउन द ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है सबके पास लोन पेयर डेफिनेटली, अगर बात करूं इसके पास भी लोन पेयर होगा, इसके पास भी लोन पेयर होगा, ठीक है। PH3 के पास भी लोन पेयर होगा, ठीक है। सो ठीक है, तो लोन पेयर सबके पास है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी साइज बढ़ने से लोन पेयर देने की क्षमता कम होती जाएगी और बेसिक रिएक्टर डिक्रीज होता चला जाएगा। चलिए ऐसा डिमांड ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड की बात करें, इट इज द राइट आंसर। तो बढ़ते नेक्स्ट, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से। ये सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड डज नॉट एग्जिस्ट, PF5, PCl5, PbR3, PF5। इनमें से कौन सी फॉस्फोरस की पेंटाहैलाइड एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, Pi5 जो है डज नॉट एग्जिस्ट, रीजन बिहाइंड दैट ड्यू टू लीस्ट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोजी। तो है स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। हमने काफी कुछ किया, काफी आई होप काफी एमसीक्यू हमने किए हैं, आपको काफी हद तक ये ग्रुप 15 क्लियर हो गया होगा। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।